Hello friends, today we will go through some other words of vocabulary. So here we start. Our first word is traction. Traction means the action of drawing or pulling something over a surface, especially a road or track. मतलब कि खींचना, खींचने के action को हम traction कहते हैं. Synonyms for traction are grip, friction, adhesion. Okay. Now next move on to next word. That is endorse. Endorse means to make a public statement of your approval or support for something or someone. मतलब कि public statement बनाना अपने अप्रूवल के सपोर्ट की फॉर समथिंग या समवन इज नोन एज एंडोर्स. सिनोनिम फॉर एंडोर्स इज एडवोकेट, एडवोकेट करना, अप्रूव, डिफेंड. नाउ लेट्स मूव टू अनदर वर्ड. रिगोरस. रिगोरस मींस अ टेस्ट सिस्टम और प्रोसीजर दैट इज रिगोरस इज वेरी thorough or strict. ऐसा system या test, ऐसा procedure जो कि काफी strict हो, उसे हम कहते हैं rigorous. Okay. Synonyms are, synonyms strict, hard, firm. Okay. These are the similar words for rigorous. Peculiar. Peculiar means unusual and strange, sometimes in an unpleasant way. अलग सा, unusual, strange, sometimes in an unpleasant way is known as peculiar. The synonyms are strange, weird. Okay, now let's move to next word. That is miffed. Miffed means annoyed at someone's behavior towards you. किसी सामने वाले का बिहेवियर आपके प्रति, उस पर आपको गुस्सा आ जाना, अनॉय हो जाना, उसे हम कहते हैं मिफ्ड. मिफ्ड का सिनोनिम्स है अनॉयड, इरिटेटेड, पीव्ड. ओके, मिफ्ड. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज अटायर. अटायर मींस क्लोथ्स, स्पेशली फाइन और फॉर्मल वंस. फॉर्मल क्लोथ्स को हम कहते हैं अटायर. सिनोनिम्स फॉर द अटायर आर क्लोथ्स, ड्रेस, अपैरल. ओके, नेक्स्ट व्हील. व्हील मींस अ पीस ऑफ थिन मटेरियल वॉर्न बाय वुमेन टू कवर द फेस और हेड. मतलब कि ऐसा कपड़ा जिससे कि वुमेन अपना फेस या सर ढक सकती है, उस पतले कपड़े को कहते हैं हम वेल. सिनोनिम फॉर वेल आर मास्क. मास्क भी बोल सकते हैं, इसका सिमिलर वर्ड्स है. कवर अप, ब्लैंकेट, वेल. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फार्मेस्यूटिकल. फार्मेस्यूटिकल रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिंस इज नोन एज फार्मेस्यूटिकल. Synonyms for the pharmaceutical are drug, medicine. मतलब जो कि production of medicine से related हो, उसे pharmaceutical कहते हैं. Simply. Curb means to control or limit something that is not wanted. मतलब कि जो चीज नहीं चाहिए, उसको limit लगा देना, उसको control करना. उसे हम कहते हैं कर्ब. किस चीज पे कर्ब कर देना, उस चीज पे लिमिट लगा देना. ओके, सिनोनिम्स फॉर द कर्ब आर रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन, चेक, ब्रेक. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड. क्रू. क्रू मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन एंड ऑपरेट अ शिप, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा. क्रू मींस आपने सुना होगा कि
एरोप्लेन में क्रू होता है, मतलब लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें वो काम करते हैं एयरक्राफ्ट में, फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू द कस्टमर्स, तो वो क्रू होता है। शिप पे भी बोल सकते हैं, शिप पे भी होता है क्रू। सिनोनिम्स फॉर क्रू आर टीम, कंपनी, यूनिट। इवैकुएट मीन्स रिमूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफर प्लेस, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे डेंजर है वहाँ से उठा करके किसी बंदे को हम सेफ प्लेस पे ले आते हैं, तो उसे हम इवैकुएट कहते हैं, उस एक्शन को इवैकुएट कहते हैं। सिनोनिम्स फॉर इवैकुएट आर मूव आउट, टर्न आउट, टेक अवे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट मीन्स मोस्ट फ्रिक्वेंट और कॉमन, बहुत कॉमन सी चीज, उसे हम प्रीवेलेंट कहते हैं। प्रीवेलेंट सिनोनिम फॉर प्रीवेलेंट इज फ्रिक्वेंट, कॉमन, प्रीवेलिंग, राइट। ओके, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और ओनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत पैसा होना या बहुत सारी चीजें होना, प्रॉपर्टी होना, उसे हम एफ्लुएंट कहते हैं। मीन्स एन एफ्लुएंट फैमिली मीन्स अ रिच फैमिली हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। सिनोनिम फॉर एफ्लुएंट आर रिच, मनीड, वेल्दी। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लोमैट। डिप्लोमैट मीन्स एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री अब्रॉड, एक ऑफिशियल बंदा जो कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर, उस देश से बाहर, अपने देश से बाहर, अब्रॉड, उसे कहते हैं हम डिप्लोमैट। सिनोनिम्स फॉर डिप्लोमैट आर एम्बेसडर, एनवॉय। ओके, बायलेटरल। बायलेटरल मीन्स हैविंग और रिलेटिंग टू टू साइड्स, जिसकी दो तरफ हो, दो सतह हो, दो साइड्स हो, उसे बायलेटरल कहते हैं। सिनोनिम्स फॉर बायलेटरल आर म्यूचुअल, रेसिप्रोकल, टू साइडेड। दीज आर द सिमिलर वर्ड्स। आवर नेक्स्ट वर्ड इज सल्क। सल्क मीन्स टू बी साइलेंट एंड रिफ्यूज टू स्माइल और बी अनप्लेजेंट टू पीपल बिकॉज यू आर एंग्री अबाउट समथिंग दैट दे हैव डन, मतलब कि चुप हो जाना, शांत हो जाना, हंसना नहीं। क्यों? क्यों उनके सामने, उन लोगों के सामने जिनसे आप गुस्सा हैं, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर और बिकॉज ऑफ देयर एक्शन और एनीथिंग एल्स, मतलब किसी बंदे का आपको एक्शन या कुछ बिहेवियर पसंद नहीं है, उसकी वजह से आप शांत हो, आप उदास हो, सैड हो, उसको सल्क कहते हैं। सल्क। सिनोनिम्स फॉर सल्क आर बैड मूड, मोप, ब्रूड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।